हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठलाल के लोन की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी है। और गाइस, अब गोकुल धाम के मेंबर्स पुलिस स्टेशन से पूछताछ होने के बाद वापस गोकुल धाम सोसाइटी में आ चुके हैं। और गोकुल धाम सोसाइटी में आने के बाद महिला मंडल के पूछने पर गोकुल धाम वासियों के पास कोई जवाब नहीं है। सो गाइस, ये बात तो साफ है कि चालू पांडे के फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद अब गोकुल धाम वासियों और चंपक लाल और टप्पू को भी इस बात पर यकीन हो चुका है कि जेठलाल ने बैंक के साथ फ्रॉड किया है और फ्रॉड की 100 करोड़ रुपए लेके वो सेनोरी का आइलैंड पर जाके छुप गया है। सो गाइस, सब गोकुलधाम के लोग अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जेठलाल को काफी मिस कर रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल काफी भावुक हो चुका है। जेठलाल के साथ बिताए हुए खट्टे मीठे पल गोकुलधाम वालों के मन में अब भी घेर करे हुए हैं, जो कि गोकुलधाम के मेंबर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई अगर जेठलाल को अच्छा बता रहा है तो कोई जेठलाल के साथ बिताए हुए टाइम को काफी मिस कर रहा है और कह रहा है कि जेठलाल के साथ वाला टाइम ही काफी अच्छा था। तो किसी का कहना है कि जेठलाल के आने से आसपास के माहौल में एक अलग ही रौनक आ जाती थी। सो भाई, अब इस समय सच्चाई क्या है कि जेठलाल कहां पर है, जेठलाल ने बैंक के साथ कोई घपला किया है या नहीं किया है, इसका तो पता नहीं। लेकिन गोकुलधाम के मेंबर्स के बीच में जेठलाल के लिए जो प्यार था वो हमें अब देखने को मिल चुका है, क्योंकि जो लोग जेठलाल के साथ थोड़ी नोकझोंक करते थे वो लोग भी जेठलाल को काफी याद कर रहे हैं और जेठलाल के साथ बिताए हुए सभी खट्टे मीठे पल याद कर रहे हैं। सो भाई, आप बताइए आपको जेठलाल का ये वाला एपिसोड कैसा लगा? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।